इन दिस वीडियो लेक्चर आई विल टॉक अबाउट थ्री एड्रेस कोड और थ्री एड्रेस कोड की जब मैं बात करूं तो उसमें जो स्टेटमेंट्स आ सकती हैं वो असाइनमेंट स्टेटमेंट हो सकती है कॉपी स्टेटमेंट हो सकती है कंडीशनल जंप हो सकता है अनकंडीशनल जंप और कोई प्रोसीजर कॉल हो सकती है और मैं अब अगर इन इन स्टेटमेंट्स को और एक्सप्लेन करूं तो मेरे पास जो असाइनमेंट स्टेटमेंट होगी वो कुछ इस तरह की होगी ए इज़ इक्ल टू बी ऑपरे कोई ऑपरेटर होगा और सी तो इसके अंदर बेसिकली ये होता है कि एट मैक्स थ्री मेमोरी लोकेशंस को आप एक्सेस कर सकते हो ठीक है थ्री मेमोरी लोकेशंस को आप एक्सेस कर सकते हो और इक्वलिटी के बाद एक ऑपरेटर आ सकता है तो इसके अंदर तो इसी वजह से आप इसे फ्री एड्रेस कोड कहते हो क्योंकि थ्री मेमोरी लोकेशंस एट मैक्स आप यूज़ कर सकते हो और इसी तरह से अगर कॉपी स्टेटमेंट को देखूँ तो एज़ इक्वल टू बी टू मेमोरी लोकेशंस हैं और एक के ऑपरेटर है बट हमारे पास एट मैक्स की बात हो रही है मिनिमम हमारे पास दो या दो से कम मेमोरी लोकेशंस या ऑपरेटर्स यूज़ हो सकते हैं इसी तरह से जो है रिलेशनल ऑपरेटर हमारे पास जो है यहाँ पे यूज़ हो रहा है कंडीशनल जंप की बात करूँ तो एज़ अ मेमोरी लोकेशन बी एंड देन एलिस एस और मैमरी लोकेशन तो ये तीन इसमें मेमोरी लोकेशन जो है वो यूज़ हो रही हैं और ये इफ एल्स कंडीशन में लूप्स वगैरह में हमें ये स्टेटमेंट हेल्प करेगी और एक अनकंडीशनल जंप हो सकती है आप गो टू एल एल एस बेसिकली अ लेबल यहाँ पे मैं किसी लेबल पे जंप कर सकता हूँ या मैं किसी कोड लाइन के ऊपर भी जंप कर सकता हूँ यहाँ पे लाइन नंबर भी मेंशन कर सकता हूँ और अगर मेरे पास कोई फंक्शन होगा तो मैं उस फंक्शन को इस तरह से लाइक लिखूंगा पैराम एक्स कॉल्स पी तो ये जो प्रोग्राम ये जो फंक्शन एक हमारे पास कॉल हुआ है पी ऑफ एक्स आपने बेसिकली इसका कोड कुछ इस तरह से इस फॉर्मेट में लिखना है एक्स पैराम एक्स कॉल्स पी तो अभी हम कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि जी ये किस तरह से सॉल्व होंगी So, दो दो चीजों का ख्याल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है रखना एक आपके पास एसोसिएटिविटी है के ठीक है जी तो प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी का आपने लाजमी लाजमी ख्याल रखना है जब आप थ्री एड्रेस कोड की बात करें तो सो so, मैं आपको एग्जाम्पल पे एक्सप्लेन करता हूँ जी कि ये किस तरह से होगा जिस तरह से पहली एग्जाम्पल हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल टॉकिंग अबाउट फर्स्ट एग्जाम्पल तो यहाँ पे हम देखें तो प्लस आपके पास प्लस है और इक्वल टू है तो प्रेसिडेंस आपके पास प्लस की ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि प्लस पहले एवेल्युएट होगा और किस फैशन में होगा लेफ़्ट टू राइट जो प्लस की स्वीट है वो लेफ्ट टू राइट है पहले ए प्लस बी सॉल्व होगा फिर C के साथ वैल्यूएट होगा फिर D के साथ फिर E के साथ एंड फिर ओवर आपके पास रिजल्ट आएगा सो लेट्स सी इससे सॉल्व करते हैं जी और देखते हैं कि ये किस तरह से होगा इसका थ्री एड्रेस कोड जब मैं लिखने की बात करूँगा तो कुछ इस तरह से आएगा एक टेम्प्रेरी वेरिएबल बना लेते हैं जी T0, इसमें हम पहले क्या सॉल्व कर रहे होंगे A प्लस बी फिर एक T1 वन लोकेशन बना ली जिसमें क्या आएगा आपके पास टी ज़ीरो प्लस सी देन आप क्या कर रहे होंगे टी टू इज इक्वल टू टी वन प्लस डी देन टी थ्री इज वल टू टी टू प्लस ई एंड फाइनली आप एक्स को टी थ्री असाइन कर दोगे सो दैट्स हाउ यू राइट अ थ्री एड्रेस कोड फॉर दिस स्पेसिफिक प्रॉब्लम इसका थ्री एड्रेस कोड आपने लिख लिया अब अब हम बात करेंगे जी कि इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसका थ्री एड्रेस कोड किस तरह से होगा सो फॉर नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास हम देखें तो ये पावर की बात हो रही है एंड पावर इज अ राइट एसोसिएटिव इसका मतलब है कि पहले सी और डी वैल्यूएट होंगे फिर ये बी के साथ होगा फिर ए के साथ होगा एंड फिर फाइनली एक्स को हम ये वैल्यू असाइन करेंगे सो so, लेट्स इसका थ्री एड्रेस कोड मैं कैसे लिखूंगा सो आई राइट इट एज पहले हमने जिसको सॉल्व करना है जी सी रेस टू पावर डी को तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी इट एज सी रेस टू पावर डी बी रेस टू जो हमारे पास रिजल्ट आया टी जीरो में वो आपके पास आएगा आफ्टरवर्ड्स आप क्या करोगे टी टू इज इक्वल टू ए रेस टू दी वन एंड फाइनली एक्स इज इक्वल टू टी टू तो इस तरह से ये एक राइट right एसोसिएटिव आपके पास था सो यू यूज राइट एसोसिएटिव टी और आपने उसका थ्री एड्रेस कोड लिख किया सो अब हम देखते हैं कि एफ एल्स कंडीशन को किस तरह से सॉल्व किया गया तो एफ एल्स जो तो है एफ एल्स कंडीशन की अगर मैं बात करूँ तो आई है प्रॉपर फॉर्मेट और वो फॉर्मेट मेरे पास क्या था जी फॉर्मेट मेरे पास कुछ इस तरह से था सो लेट्स राइट फॉर दिस थिंग अब इसके लिए हम थ्री एड्रेस कोड लिखते हैं जी लेट्स सी इफ एक्स इज इफ एक्स एंड रिलेशनल ऑपरेटर इज ग्रेटर देन इफ एक्स ग्रेटर देन फाइव देन क्या है जी गो टू पे जाना है सो so, अभी हमें नहीं पता ठीक है तो मैं एम टी छोड़ रहा हूं अच्छा अगर तो ये कंडीशन ट्रू होती है तो लेट्स सपोज मैं किसी लेबल एल पे चला जाता हूँ और एल को मैं इस तरह से डिफाइन करके कह देता हूं कि इस पे क्या है जी एक्स इज इक्वल टू टू तो अगर तो ये स्टेटमेंट मेरे पास ट्रू होती है तो मैं एल पे आ जाऊंगा और अगर ये फॉल्स होती है लाइक एल्स स्टेटमेंट तो मेरे पास क्या हो जाएगा जी एक्स इज इक्वल टू थ्री सो दैट हाउ आई राइट माई स्टेटमेंट कि अगर ये स्टेटमेंट मेरे पास ट्रू होती है एक्स इज ग्रेटर देन फाइव अगर आता है तो फिर मुझे क्या क्या करना है एल लेवल पे जाना है और मेरे पास एल लेवल में क्या हो रहा है जी एक्स इज इक्वल टू टू मेरे पास ये स्टोर हो रहा है सो सो दैट हाउ आई राइट थ्री एड्रेस कोड फॉर इफ स्टेटमेंट दैट्स रिट ये मैंने थ्री एड्रेस कोड लिख लिया अब हम बात करते हैं जी इससे नेक्स्ट हमारे पास जो लूप कंडीशन है सॉरी लूप कंडीशन के लिए हमने मिस किया जी ये लूप कंडीशन के लिए हम देखते हैं अब हमने क्या करना है ये डू वायल है इसका मतलब है कि अगर ये लूप कंडीशन फॉल्स होती है स्टिल आपके पास ये कंडीशन एक बार ही चलेगी सो so सी इसका थ्री एड्रेस कोड हम किस तरह से लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल x इज इक्वल टू वन ये बात हो गई देन आपके पास क्या आ गया जी x इज इक्वल टू x प्लस वन अब मैं क्या करता हूँ मैं इन्हें साथ साथ इसका लाइन नंबर असाइन कर देता हूँ दिस इज माय फर्स्ट लाइन दिस इज माय सेकंड लाइन सो अब मेरे पास क्या है जी अब फाइनली मेक अ कंडीशन ऑन लाइन थ्री इफ Uh, x इज लेस देन फाइव दें क्या होगा जी गो टू लाइन नंबर टू मैं लाइन नंबर टू पे चला जाऊ तो ये मेरे पास तब तक होता जाएगा जब तक आपके पास x जो है वो फाइव से छोटा है जैसे यहाँ वैल्यू बड़ी आएगी तो आपके पास क्या होगा जी ये इस स्लूप से बाहर आ जाएगा सो so, अब एक और कॉन्सेप्ट है जो कि शॉर्ट सर्किटिंग से रिलेटेड है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जी उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से हम आ, करते हैं सो तो ये हमारे पास एक और कोड है इस पर हम शॉर्ट सर्किटिंग अप्लाई करेंगे शॉर्ट सर्किटिंग में बेसिकली ये होता है कि आप नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनस को कम करते हुए लाइक like उन्हें रीड करना अब ये इसमें और यूज़ हुआ हुआ है और एंड यूज़ हुआ हुआ है और अगर मैं प्रेसिडेंस देखूं यहाँ पे तो एंड की प्रेसिडेंस ज़्यादा है और से इसका मतलब ये है तो फर्स्ट दिस थिंग विल बी अवेल्यूएटेड एंड देन दिस थिंग वो व्हाट इफ मेरे पास ये चीज पहले ही ट्रू आ जाती है अगर तो ट्रू आ जाती है तो इसका मतलब है मुझे बाकी स्टेटमेंट देखने की जरूरत नहीं है सो लेट्स सी कि शॉर्ट सर्किटिंग में हम किस तरह से करेंगे so, यहां पर मैं कह देता हूं कि इफ एक्स इज ग्रेटर देन वन अगर तो ये ग्रेटर देन वन है देन गो टू आप कहाँ चले जाओ एल लेवल पे चले जाओ और एल लेवल पे मैं जाके क्या कर देता हूँ अपनी कंप्यूटेशन जो है एक्स इज़ इक्वल टू टेन वो मैंने यहाँ परफॉर्म कर दी अच्छा वट इफ़ ये फॉल्स हो जाता है फिर अब मुझे चेक करना पड़ेगा इफ़ एक्स इज़ इक्वल इक्वल टू वाई अगर तो ये ट्रू है तो देन मुझे क्या करना है गो टू सम लेबल एल वन ठीक है मैं किसी लेबल L1 पे चला जाता हूं सो so, इस तरह से इसका कोड होगा जी आपने पहले इसकी ट्रू वैल्यू चेक कर ली अगर तो ट्रू आ गया तो आप सीधा एल पे चले गए लेकिन अगर ये फॉल्स आता है इसका मतलब है कि इन दोनों को अब ट्रू होना पड़ेगा तो अगर इसमें एक भी फॉल्स आया तो ये ई पे चला जाएगा और ई पे क्या